नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? अच्छे हो ना? आज हम सब विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी पाठ 16 जरूरी बातें पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगी और तुम उसके जवाब दोगे। क्या तुम सोने से पहले और जागने के बाद अच्छी तरह ब्रश करते हो? करते हो ना? बहुत अच्छे। क्या हमें सड़क पर दौड़ना चाहिए? नहीं ना, बिल्कुल सही कहा। क्या तुम अपने से बड़ों की बात मानते हो? मानते हो ना? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ये सभी जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। इस पाठ में भी बच्चों को कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं, तो आओ पढ़ते हैं कि वो कौन सी हैं। शनिवार को बाल सभा के लिए घंटी बजते ही सभी बच्चे कतार में बैठ गए थे। आज सभा में एक नया चेहरा भी था। सभी बच्चे जानना चाहते थे कि नए चेहरे वाला व्यक्ति कौन है। गुरुजी ने सभा में सबसे उनको मिलवाया। उनका नाम था डॉक्टर आनंद। अच्छा बच्चों, बताओ डॉक्टर क्या करते हैं? तुम्हें पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं। अच्छा बच्चों, कोई भी एक कारण बताओ जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब हम खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को नहीं धोते हैं तो कीटाणु हमारे पेट में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये सभी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। और कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, बताओ तो? बिल्कुल सही कहा, टॉयलेट जाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना, रोज साबुन से नहाना, बड़े हुए नाखूनों को काटना, बालों को अच्छे से धोना और उनमें तेल लगाना। डॉक्टर साहब ने बच्चों को साफ रहने के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि अगर दांत को अच्छी तरह साफ ना किए जाएं तो वे पीले पड़ जाते हैं, जैसे चित्र में दिखा है, दिख रहा है ना तुम्हें? और मुंह से बदबू आती है, कई बार तो दांत में खून भी आने लगते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दिख रहा है ना? डॉक्टर साहब ने कहा सबको बढ़े हुए नाखूनों को भी काटना चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में मैल जम जाता है। कई बार जल्दबाजी के कारण और आलस के कारण बच्चे शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह नहीं धोते हैं। इससे गंदगी खाने के साथ उनके पेट में जाकर नुकसान कर सकती है। उसी सभा में बैठा हुआ एक बच्चा सोहन डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे बांह और पैर में खुजली क्यों होती है? डॉक्टर साहब ने कहा, हम दिन भर मिट्टी में खेलते हैं, कभी पानी में खेलने के बाद अपने हाथ पांव को अच्छी तरह नहीं धोते हैं, इस कारण खुजली होती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम साफ पानी से नहा लें। अच्छा बच्चों, चित्र को देखकर बताओ तो, क्या ये अच्छी आदत है या बुरी? चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही कहा, एक बच्चा नहा रहा है और दूसरे बच्चे हाथ धो रहे हैं, तो ये दोनों अच्छी आदत है। उसी सभा में बैठा एक दूसरा बच्चा किशन को अपने कान में उंगली डालते देख डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं बेटा, कान और नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए, हमारे नाखूनों से कान या नाक के अंदर चोट लग सकती है। अगर तुम्हें कान साफ करना है तो तुम मुलायम कपड़े का उपयोग कर सकते हो और नाक साफ करते समय तुम पानी का उपयोग करो। बच्चों, मैं तुम्हें एक तालिका दिखा रही हूँ, तुम ऐसी ही तालिका बना लेना और एक हफ्ते तक तुमने जो भी अच्छी आदतें की हैं उन्हें इस तालिका में भरना। देखो बच्चों, जैसे इस तालिका में कुछ ज़रूरी बातें दी हैं, दांत साफ किए कि नहीं, खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोया कि नहीं, खेलने के बाद पैर धोए कि नहीं, नाक को साफ किया कि नहीं, प्रति सप्ताह नाखून को काटा कि नहीं, बालों में तेल लगाए
और कंघी किए कि नहीं। इस तालिका को आप प्रतिदिन भरेंगे कि आपने ये सारी ज़रूरी बातें की हैं या नहीं। पाठ पढ़ के तुम्हें सब पता चल गया कि ज़रूरी बातें कौन कौन सी होती हैं। आओ अब हम सब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनो। खाना खाने से पहले हमें करना चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए, कान साफ करना चाहिए या दांत साफ करना चाहिए। बताओ बच्चों, क्या करना चाहिए हमें खाना खाने से पहले? बिल्कुल सही कहा, हाथ साफ करना चाहिए। सोहन को पैर और बांह में खुजली क्यों हो रही थी? पहला, अच्छे से पैर नहीं धोने के कारण, अच्छे से नहीं नहाने के कारण या साफ कपड़े नहीं पहनने के कारण? बताओ तो, सोहन को पैर और बांह में खुजली क्यों हो रही थी? बिल्कुल सही कहा, अच्छे से नहीं नहाने के कारण। आओ बच्चों, एक और प्रश्न देखते हैं। अच्छी आदत है कुएं में कचरा फेंकना, जीवों की रक्षा करना, जीवों को परेशान करना। बताओ कौन सी अच्छी आदत है? बिल्कुल सही कहा, जीवों की रक्षा करना। प्रश्न दूसरा देखते हैं, सही गलत पर निशान लगाओ। हमें भोजन खड़े होकर करना चाहिए, सही है कि गलत? गलत। सब्जियों को काटने से पहले हमें उन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए, सही है कि गलत? सही। नाखूनों को ब्लेड से काटना चाहिए, सही है कि गलत? गलत। रोज नहाने से शरीर में खुजली होती है, सही है कि गलत? गलत। रोज नहाने से हमारे शरीर में खुजली नहीं होती है। कचरा हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, बताओ सही है कि गलत? सही। तुमने सही जवाब दिया। चलो बच्चों, अब हम गृह कार्य देखते हैं। प्रश्न पहला, तुम अपने घर के बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? प्रश्न दूसरा, और कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो तुम करते हो? प्रश्न तीसरा, एक तालिका बनाओ जिसमें हफ्ते भर तुमने कौन सी ज़रूरी आदतें की हैं उन्हें लिखो। तुम्हें पाठ पढ़ के मज़ा आया ना बच्चों? अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।